एंड यस एंड यस गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और उस बेल बटन को हिट कर देना ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। हाँ जी, तो दोस्तों दोस्ती कैसे हो, किवे हो एंड हाउ आर यू गाइज। सो आज की वीडियो होने वाली है सरोजिनी नगर होल एंड सरोजिनी नगर वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ मार्च कलेक्शन ऑफ 2022। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले पॉज कीजिए एंड वो वीडियो देख कर आइए। सुन चलते हैं, अपनी वीडियो बता रहे कि मैंने इस बार राइट साइड से एंट्री की थी एंड उसकी लेफ्ट साइड पे वहां पे हमेशा मुझे भैया मिलते हैं जिनके पास डेली इयररिंग्स के रेगुलर इयररिंग्स का कलेक्शन होता है काफी अच्छा। तो मैंने वहां से उनसे तीन इयररिंग्स लिए थे। द फर्स्ट वन इज दिस वन, आप देख सकते हैं ये एक ऑक्सीडाइज है, मतलब यू नो सिल्वर ज्वेलरी में है एंड ये रेगुलर के लिए काफी अच्छा लगता है। तो सेकेंड मैंने लिए उनसे वो है ये वन, ये एक क्वर्की इयररिंग्स है, यू नो पर्पल ग्रेव्स। I don't know मैंने को क्यों लिया, बट यू नो आई लव पर्पल एंड ये पर्पल ग्रेव्स काफी क्यूट लग रहे थे, काफी क्वर्की लग रहे थे, सो मैंने ये पिक कर लिए। एंड जो थर्ड वन है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे मेंशन किया था उनके बारे में, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे साइड में फोटो भी डाल दूंगी। ये एक फेरी टेल के हैं एंड ये बहुत क्यूट लग रहे थे मुझ, एंड इनका प्राइस है 20 rupees ईच। भैया बार्गेनिंग नहीं करते, इनका प्राइस फिक्स है एंड आई थिंक इट्स जेन्युइन। 20 rupees में कोई माड़े नहीं है यार, यू नो। ओके, सो इस बार मैंने राइट साइड से लेन में स्टार्ट किया था एंड वहां से जाते हुए फर्स्ट मुझे होम डेकोर की वहां पे एक फड़ी दिखी थी, स्टॉल दिखी थी एंड मैंने वहां से दो चीजें ली थी। जो एक था वो शॉपिस थे, चार शॉपिस थे, मैं उनकी फोटो यहाँ पे डाल दूंगी, वो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिए थे। एंड जो सेकेंड है वो ये है ड्रीम वॉचर और ड्रीमर, आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, ये बहुत क्यूट लगता है। मैं इसको यहाँ पे हैंग कर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको देख जाएगा। मैं सोच रही हूँ उसको यहाँ पे हैंग करने के लिए और मे बी मैं इसको अपने एंड इसका प्राइस भैया ने मुझे 150 rupees बोला था, आफ्टर बार्गेनिंग मुझे ये 100 rupees का मिल गया। इसमें डिफरेंट साइजेस हैं, इससे एक छोटा साइज भी था और इसमें आपको एक बड़ा साइज भी मिल जाएगा, बट आई लाइक दिस वन क्योंकि ये मीडियम साइज का है एंड इनके मुझे ये ना फेदर काफी प्यारे लग रहे थे। आई रियली लव दिस वन कॉम्बिनेशन ऑफ बेज कलर, डार्क ब्राउन और व्हाइट, मुझे काफी क्यूट लग रहा था। ओके, सो मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट टॉप की कहाँ कैसे क्या था, तो मैं रैंडम चीजें उठा के आपको दिखा दूंगी इसके बाद। तो जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको दिखा रही हूँ वो ये है डेनिम जैकेट। आपको यहाँ साइड में क्लिप दिख जाएगी कि मुझ पर ये एग्जैक्ट कैसे लग रही है। ये डार्क ब्लू कलर में है क्योंकि मेरे पास लाइट ब्लू कलर पहले था एंड ब्लैक कलर मुझे मिला नहीं और मुझे ऐसा कुछ कलर चाहिए था। आई नो आप सोच रहे होंगे कि गर्मी में डेनिम जैकेट, बट ये बिल्कुल भी इतनी हैवी जैकेट नहीं है, आप इसको गर्मी में वियर कर सकते हो। बेसिकली मैंने समर्स के लिए ही ली है, ये इतनी हैवी बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको वियर कर सकते हैं। मैं इसको यू नो कैमिसोल टॉप्स और क्रॉप टॉप्स के साथ बहुत अच्छे से वियर कर सकती हूँ। एंड अगर मैं आपको एक एक्साइटिंग चीज बताती हूँ कि यहाँ पे ना आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे लिवाइस का टैग लगा हुआ है एंड लेट मी शो यू, दिस इज अनबिलीवेबल। यहाँ पे भी लिवाइस का टैग लगा हुआ है, मे बी ये जींस है, बट मैं इसको बंद नहीं करूंगी क्योंकि मैं इसको ओपन में ही रखूंगी। इसकी स्लीव भी काफी कंफर्टेबल है एंड बिल्कुल एग्जैक्ट साइज है। आई जस्ट लव दिस वन क्योंकि ये मेरे पे इतनी ज्यादा अच्छी लग रही थी, मैंने इसको डाल के देखा घर पे भी, मैंने इसको एक बार ट्राई किया डाल के देखा, ये काफी अच्छी लग रही थी मेरे ऊपर, काफी क्यूट लग रही थी। एंड अगर मैं बात करूं इसके प्राइस की तो इसका एमआरपी प्राइस है 250 rupees, मैंने 350 या 400 कुछ बोला था, बट आफ्टर बार्गेनिंग मुझे ये 250 rupees की मिली। एंड इनकी शॉप नंबर मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में मेंशन कर रखे हैं, आप बस देख सकते हैं। तो ये मैंने वहां से तीन पैंट लिए थे एंड आई थिंक ये बिग डील शोरूम है, उसके सामने एक लेन लगती है, वहां से मुझे मैंने ये लिए थे, नॉट श्योर आई एम। ओके, सो ये तीन कॉटन पैंट्स हैं, आई जस्ट लव कॉटन पैंट्स, समर्स में ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना, काफी कम्फी होते हैं, आप इसको घर में भी वियर कर सकते हैं, आप इसको यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हर जगह वियर कर सकते हैं। आई जस्ट लव दिस वन, इसकी भी क्लिप मैं आपको साइड में दिखा दूंगी, ये मुझे परफेक्ट साइज है इसका, ना ही मुझे टाइट है ना ही मुझे लूज है एंड इसकी लेंथ भी, मैं आपको बैक में यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगा तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेचेबल है,
तो ये फ्री साइज है, इसको कोई भी, एंड ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं है। ये पैंट मुझे ज्यादा अच्छी लगी क्योंकि इसका कलर मुझे काफी अच्छा लगा और ये नीचे आके बॉटम एक यू नो बॉटम पैंट है, ये इसकी बॉटम पैंट हो जाती है, बिल्कुल परफेक्ट साइज है, ना ही ये लॉन्ग है ना ही ये शॉर्ट है बिल्कुल। और पीछे भी इसके पॉकेट है, आगे भी इसकी पॉकेट है, एंड आई स्वेयर मैंने इसी सेम जीन्स H&M पे देखी थी, सेम पैंट आई मीन मुझे H&M पे देखी थी, एंड उसका प्राइस समथिंग 1200-1300 रुपीज था आफ्टर डिस्काउंट, बट ये मुझे काफी सस्ते में मिली है यार। जो थर्ड वन है ये ब्लैक कलर में है, मैंने ये अपनी मम्मी के लिए ली है, दिस इज नॉट फॉर मी। ये काफी लंबी थी तो मेरी मम्मी ने इसको अपने साइज की करवाई है, एंड कुछ लूज रखा है क्योंकि उनको लूज कपड़े बहुत पसंद है, शी लव्स यू नो लूज पैंट, लूज टी शर्ट्स, लूज शर्ट्स, काफी कंफर्टेबल कपड़े वो डालती है, एंड ये प्रॉपर इलास्टिक में है, इसके आगे भी पॉकेट्स हैं एंड इसके पीछे भी पॉकेट्स हैं। इसका प्राइस की, इनके प्राइस की, तो मैंने ये तीनों जो कॉटन पैंट्स हैं एक ही शॉप से ली थी, एक ही भैया से ली थी, सो मुझे ये 500 रुपीस की तीन पैंट्स मिले। भैया ने आई थिंक 1200 कुछ बोला था तीनों का प्राइस, बट मैंने इसको 500 रुपीस में लिया, 500 में तीन पैंट्स। आप चाहो तो आप इससे और भी सस्ती करवा सकते हो, क्योंकि बाहर निकल के मुझे लगा कि शायद मैं थोड़ा और रेट कम कर सकती थी, बट इट्स फाइन गाइज, क्योंकि उनकी फरिया नहीं लग रही इस बार, स्टोर्स वगैरह नहीं लगे हुए, सिर्फ शॉप्स में ही आपको मिलेगा, तो जितना हो सके बार्गेनिंग कम रखो, मतलब आप इतनी बार्गेनिंग भी नहीं कीजिए, जो रिजनेबल प्राइस आपको लगता है उस प्रोडक्ट का वही आप लो। मुझे 500 रुपीज में ये तीन पैंट्स, इट्स फाइन, क्योंकि ये वर्थ ही है, काफी कंफर्टेबल है, एग्जैक्ट साइज है मुझे। सो जो नेक्स्ट है वो टी शर्ट्स है, मैं हमेशा टी शर्ट्स उसी शॉप से लेती हूँ, वहां पे फ्रेश आपको टी शर्ट्स मिलेंगी दुकान में, एंड आई थिंक वो शॉप नंबर है 169 और मे बी 159, वो अगर आप लेफ्ट साइड से एंटर करते हैं हल्दीराम के जस्ट अपोजिट में वो वाली लेन जो आती है वहां पे आपको ये टी शर्ट्स की शॉप मिल जाएगी, एंड मैं आपको दिखा देती हूँ। इसकी हालत मैंने अभी खराब करी है क्योंकि मैंने ऐसे यू नो ऐसे ही इसको रख दिया था, यहाँ साइड में आपको क्लिप दिख जाएगी। सो मैंने इस बार ये बेज कलर में लिया है बिकॉज आई लाइक मोर ब्राउनिश कलर, मुझे ब्राउन कलर इस बार ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन। दिस टी शर्ट डिस्क्राइब्स मी, ये दोनों जो हैं ये मैंने एल साइज में लिए हैं, या आई थिंक एम साइज है, रुको मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर H&M का टैग लगा हुआ है, आई नो ये फेक है बट इसका साइज नहीं मेंशन, बट आई थिंक आप देख सकते हो ये मैंने अपना नॉर्मल साइज से एक साइज बड़ा लिया है, क्योंकि मुझे आजकल लूज टी शर्ट्स वगैरह काफी कंफर्टेबल लगती हैं। तो मैंने एक ही टॉप लिया है इस बार क्योंकि वहां पे मुझे टॉप का कलेक्शन कुछ नया नहीं दिखा, वही मुझे पुराने टॉप्स दिखे थे, बट ये मुझे कुछ यूनिक सा लगा, कुछ अलग लगा, बताती हूँ कैसे। इसमें स्लीव जो है वो टॉप के अंदर है, बाहर स्लीव अलग से नहीं है, एंड मुझे मेन खासियत इसकी मुझे यही लगी। और जो दूसरी थिंग है इसमें कि इसके ये कॉलर की डिटेलिंग, मुझे कॉलर टॉप्स जो होते हैं काफी अच्छे लगते हैं, जो मैंने प्रीवियस अपने बर्थडे पे भी एक कॉलर टॉप, एंड ये कलर पेस्टल ग्रीन कलर में है, ये सी ग्रीन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रॉपर ग्रीन भी नहीं है, कुछ डिफरेंट ग्रीन है ये, मे बी पेस्टल ग्रीन आप इसको कह सकते हो। एंड यहाँ पे इस पे एक ये नॉट बंधी हुई है, जो ये कुछ ऐसी नॉट लगेगी, मैं आपको यहाँ साइड में दिखा दूंगी ये कैसा लग रहा है, एंड ये तीन ट्रफल्स में है, काफी क्यूट लगती है ऐसे लाइक देख सकते हो, एंड यस ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं। मुझे 100 रुपीज के स्टॉल से इस बार काफी कुछ देखने को मिला, एंड मैंने वहां से ये शर्ट ली है, दिस इज इन लेमन ब्राउन कलर, आई जस्ट लव दिस शर्ट, मुझे ये शर्ट काफी ज्यादा अच्छी लगी, बेसिकली मैंने ये अपनी मम्मी के लिए ली है बट मैं भी इसको वियर कर सकती हूँ, एंड ये हाफ स्लीव में है, कॉटन शर्ट है, और ये ट्रांसपेरेंट है, डेफिनेटली ये ट्रांसपेरेंट है, इसके नीचे आपको सैंडल वगैरह डालना पड़ेगा, एंड ये जस्ट 100 रुपीज की है यार, 100 रुपए में इतनी बढ़िया शर्ट मुझे मिली है, और क्या मिलेगा आपको सरोजनी नगर से 100 रुपए की इतनी बढ़िया शर्ट, एंड इसके बटन्स भी काफी ज्यादा डिजाइनिंग है, नॉर्मल बटन्स नहीं है, ये कलर मुझे काफी अच्छा लगा, ये प्रिंट मुझे काफी अच्छा लगा, एक ये लेमन येलो, अंडरगार्मेंट्स में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा, एंड वो बहुत अच्छी क्वालिटीज की होती हैं, आपको काफी अच्छी क्वालिटीज की मिल जाएंगी, पैडेड और नॉन पैडेड ब्रास रेगुलर के लिए भी आपको मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स ब्रा भी आपको मिल जाएगी वहां पर, एंड मैंने इस बार नॉन पैडेड भी ट्राई की थी,
जो रेगुलर वेयर, आपको टी शर्ट ब्रास भी वहां मिल जाएंगी अलग अलग साइज की, आपके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की, आपको जो भी साइज आपको चाहिए आपके साइज के मिल जाएंगी। रेगुलर वेयरिंग की भी मिल जाएंगी। इस बार मैंने नॉन पैडेड रेगुलर वेयरिंग की भी ब्रास ली थी एंड भैया ने उसका प्राइस 150 रुपीज कुछ बोला था या 200 रुपीज, बट मुझे वो 100 रुपीज की कुछ मिली है, 100 या 1। सोचिएगा कि ज्वेलरी इज डैम गुड, मतलब वहाँ आपको इतनी सस्ती ज्वेलरी मिल जाएगी, 30 रुपीज, 100 रुपीज, 150 वहाँ से स्टार्टिंग हो जाती है। एंड आपको आपके डेली इयररिंग्स, रेगुलर पार्टीज वगैरह के लिए, शादी वगैरह के लिए, फंक्शन के लिए, आपके सूट के कलर के हिसाब से ज्वेलरी वहाँ मिल जाएगी। एंड वो काफी चीप रेट पे होती है, 30 रुपीज से 20 रुपीज से स्टार्टिंग हो जाती है। एंड आप देख सकते हैं, फर्स्ट मैंने आपको यही दिखा देती हूँ, ये शेल्स में है एंड मुझे काफी अच्छी लग रही थी, कुछ यूनिक है। मैंने ये वहीं से ली है, राइट साइड पे जो आप लेन में जाओगे एंड पे आपको वहाँ पे दो आंटी मिलती हैं, उन्होंने अपनी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की, उनके पास काफी अच्छा कलेक्शन होता है। उनके 30 रुपीज इयररिंग फिक्स प्राइस होता है एंड 100 रुपीज उनके चोकर्स का, नेक पीस का प्राइस होता है। मैंने ये वहीं से ली है, इसकी क्लिप भी मैंने अपनी वीडियो में डाली थी, आप देख सकते हैं वहां से। एंड ये शेल्स में है, बीच में इसमें व्हाइट कलर के मोती है साइड्स में एंड इसके यहाँ शेल्स है, आप देख सकते हो, क्लोज रुको। काफी अच्छी है ये, काफी कंफर्टेबल है, हैवी बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ये लगभग 2 घंटे से डाल रखी है, 2-2.5 घंटे से, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ। सो ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है एंड मुझे बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि मेरे कान कट रहे हैं या दर्द हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। काफी ज्यादा लाइट है एंड इसका प्राइस है 30 रुपीज, जस्ट 30 रुपीज। और जो सेकेंड मैंने लिए वो है ये, इस बार मैंने कुछ मल्टी कलर लिए, मैंने ज्यादा इयररिंग्स नहीं लिए क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा लुक्स हो चुके हैं। सो जो नेक्स्ट है वो ये है, काफी अच्छे लग रहे थे, काफी मतलब ये वाइब्रेंट है, मल्टी कलर है, तो मैं इनको किसी के साथ भी वेयर कर सकती हूँ। सो इनका प्राइस है जस्ट 10 रुपीज एंड काफी ज्यादा क्यूट है, इनका इलास्टिक भी काफी अच्छा है, काफी अच्छे क्वालिटी के हैं। यहाँ पे आपको एक क्यूट सा बो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, हैव टू ट्राई दिस वन, 10 रुपए में इतनी बढ़िया क्वालिटी और काफी अच्छे स्क्रंचेस वगैरह हैं। अगर आप बाहर से लोगे, ऑनलाइन लोगे या आप ऑफलाइन भी लोगे, आपको 30-50 रुपीज से कम नहीं मिलेंगे। ओके, तो जो नेक्स्ट चीज है वो मैं काफी टाइम से चाह रही थी लेना, बट मुझे वो स्टोर नहीं मिला, या तो वो मिलते नहीं थे या वो शॉप मिस्टेक हो जाती थी या वो कभी लगती ही नहीं थी या मैं भूल जाती थी, ऐसा ही हो रहा था क्योंकि मैं कम से कम उसको 4-5 बार ट्राई कर चुकी हूँ लेने की, बट मैं नहीं ले पाई। बट फाइनली मैंने वो ले ली एंड वो है दिस इविल आई नेक पीस, रखती हूँ क्योंकि मुझे आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, काफी क्यूट भी लगती है। एक गोल्डन चेन है, मीडियम लेंथ इसका साइज है एंड ये। और जो सेकंड है मैंने ये लिया है, ये क्यूट सी बटरफ्लाई, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आप इसकी लेंथ देख सकते हैं, ये लॉन्ग चेन में हो जाएगा एंड आप इसके पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसके पीछे ये हुक है, तो आप इसको टाई कर सकते हो कहीं पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ भी, आप इसको लॉन्ग करना चाहते, वेरी गुड। सेम इसका प्राइस भी 100 रुपीज है। इसका जो नेक्स्ट है वो है फॉन कवर एंड या दिस इज माय न्यू फॉन कवर, ये ब्लैक कलर में है एंड इसके ऊपर एक येलो सी स्लिंग चेन लगी हुई है, क्योंकि आजकल चेन वाले फोन केस काफी ट्रेंडिंग में है। सो यार दैट्स इट टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए इन सब में से आपको क्या अच्छा लगा। मुझे डेफिनेटली नेक पीस और ये कवर काफी अच्छा लगा, क्योंकि ऑनलाइन कवर और वो ऑनलाइन नेक पीस काफी महंगा मिलता है, बट सरोजिनीनगर में मुझे काफी चीप प्राइस पे मिल गया। सो यार दैट्स इट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाई।